सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे भाई आइनॉक्स विंड लिमिटेड को लेकर। आइनॉक्स विंड में आप लोग देखोगे दो दिन में कल स्टॉक में 10% का लोअर सर्किट और आज भी स्टॉक में 10% का लोअर सर्किट लग गया था। अभी के टाइम जो स्टॉक है वो 7.5% के आसपास टूटा हुआ है। 136.85 रुपये का भाव अभी के टाइम है और आज जो स्टॉक टूटा है वो लगभग आप लोग देखोगे भी 133 तक नीचे में आया है। 133 से थोड़ी बहुत रिकवरी स्टॉक में 139-140 के आसपास स्टॉक ऊपर में आया। फिर अभी के टाइम फिर स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट का माहौल है और लगभग 1,34,00,000 के आसपास वॉल्यूम भी आ गई है। तो पिछले दो दिन से स्टॉक में भारी भरकम गिरावट है और ये गिरावट क्यों हुई है, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने 5% जो स्टेक है वो बेचा है भी और जो जिस भाव में बेचा है उसके बाद तो गिरावट होनी तय थी भाई। कहाँ 170 रुपये के भाव में शेयर था, 170 से स्टॉक आ गया सीधा 150 की रेंज में। कल के दिन लोअर सर्किट लगा बिकॉज कंपनी के जो प्रमोटर ने 5% स्टेक बेचा है वो 150 रुपये के भाव में बेचा है। ठीक है, 5% स्टेक जो बेचा है वो 150 रुपये के भाव में बेचा है और यही सबसे बड़ा कारण कि स्टॉक ऊपर से टूटा। अब बहुत से निवेशकों के मन में डाउट आ रहे होंगे कि स्टॉक जो अभी अपने बाउंड वीक हाई से 20-25% टूट गया, क्या इसमें और बड़ी गिरावट हो सकती है, क्या करें, बेच दे रखे भाई। ये टाइम बेचने का नहीं है, ये टाइम देखो आप लोग एक छोटी सी बात समझो, टाइम बेचना नहीं है, टाइम खरीदने का है। बिकॉज इसके पीछे जो रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग इस भाव में आकर 136 की रेंज में आए, 133-135 इस रेंज में स्टॉक आपको मिल रहे हैं तो ये मौके हैं हमारे लिए, बहुत बड़े मौके हैं और ऐसे मौके मुझे नहीं लगता बार बार कंपनी कहीं आपको देगी दोबारा। ठीक है, और ये स्टॉक फिर से आप लोग देखोगे फ्रेश बाउंड वीक हाई भी क्रिएट करेगा और उसके ऊपर में 200 रुपये प्लस के मूव ये स्टॉक हमें दिखाएगा। मौके हैं फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको दिखा देता हूँ भी कल के दिन ये जो 5% स्टेक बेचा है किसने खरीदा, कौन आया अभी खरीदार। ठीक है, कोई बड़ा प्लेयर है तो कौन है, कौन इतने रिस्क पर पैसा लगा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने 185 भाव में क्यों खरीदे ये आपको जो ना भी ऑटोमेटिक ही बता देगा कि आगे कैसी क्या चाल हो सकती है स्टॉक में। तो चलो दिखाता हूं आपको। तो यहां पर आप लोग देखो आइनॉक्स विंड को लेकर जो अपडेट हमें देखने को मिली है उसके बाद जो स्टॉक है वो एक अच्छा खासा जो मूव हमें ऊपर में दिखा सकता है। यहाँ पर देख सकते हो अभी कल के दिन ये तो देखो अभी ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर 16-16 लाख क्वांटिटी है, 12-12 लाख क्वांटिटी इन्होंने खरीदी है, 151 रुपये 152 रुपये इस रेंज में खरीदी है ना इन्होंने, तो इन्होंने भी कुछ सोच समझ कर खरीदी होगी भाई। ये 28 तारीख का डाटा है कल का। उसके बाद जो मेन प्लेयर आए हैं जो आप लोग देखोगे जिन्होंने जो ये 5% स्टेक बेचा है वो खरीदार कौन है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उनके दो नाम है भाई, पहला रहेगा अभी सिंगापुर से जो है भाई गोल्डमैन सैक्स। गोल्डमैन सैक्स ने 150 रुपये के भाव में 26 लाख शेयर खरीदे हैं, जहाँ 26 लाख जो शेयर है वो इन्होंने खरीदे हैं। उसके बाद आता है नाम मॉर्गन स्टेनली का, ये भी एशिया सिंगापुर से ही है, इन्होंने भी आप लोग देखोगे 150 रुपये में दो ब्लॉक डील की है और दो ब्लॉक डील में आप लोग कितने क्वांटिटी खरीदी है, पहले में खरीदी भी 16,50,000, दूसरे में खरीदी है लगभग 66,66,000 क्वांटिटी। तो आप लोग देखो भाई ये बड़े प्लेयर आए हैं और इन्होंने 150-150 की रेंज में खरीद कर, अभी 136 के भाव में कोई दिक्कत नहीं है, हमें मिल रहा है अभी इतना डाउन, ये भी तो 150 की रेंज में खरीद कर बैठे हुए हैं। और ये देखो भाई अगर कंपनी डूबती है तो हमसे कहीं ज़्यादा नुकसान तो इनको है जो ये 66-66 लाख क्वांटिटी खरीद कर बैठे हैं, तो इन्होंने भी आगे के बारे में कुछ ना कुछ सोचा है। तो इसलिए ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ मौके बने हैं और ऐसे मौके मुझे नहीं लगता है बार बार कंपनी आपको कहीं पर भी देगी। ठीक है, तो यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली एंड गोल्डमैन सैक्स जमकर खरीदारी की है और ये ब्लॉक डील के माध्यम से हुई है भाई, बल्क डील ब्लॉक डील, तो उसके माध्यम से ये खरीदारी हुई है। कल के दिन प्रमोटर जो कंपनी प्रमोटर उन्होंने 5% स्टेक बेचा 150 के भाव में, इसीलिए आप लोग देखोगे स्टॉक डाउन आया अभी 136 की रेंज में। ये हमारे लिए मौका, स्टॉक जल्द से जल्द आप लोग देख लेना नेक्स्ट वीक में। ठीक है, नेक्स्ट वीक में ये स्टॉक आपको ऊपर में 150 के ऊपर निकलते हुए नजर आ सकते हैं, 150-160 इस रेंज में जाते हुए नजर आ जाएगा। तो उसके लिए पेशेंस रखना है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सही मौका है स्टॉक में अभी के टाइम। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं 20% डाउन में मिल रहा है अभी, 20% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं मुझे 20-25%, मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक ऐसा जो मौका है वो कहीं आपको मिलेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका चार्ट। और चार्ट से पहले कंपनी ने एक और बड़ी खुशखबरी दी, अभी कल ही के दिन ये खबर आते हुए नजर आई थी। ठीक है, कि कंपनी जो ना अभी फंड रेज भी करने जा रही है 31 मई को, जी हाँ 31 मई को। इसके ऊपर आप लोग देखोगे भी बोर्ड की मीटिंग है और डिसीजन लिया जाएगा भी किस माध्यम से आप लोग देखोगे कंपनी फंड रेज करेगी और कितना फंड रेज करने जा रही है। QIP के माध्यम से कर रही है, प्रेफरेंशियल इशू के माध्यम से, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर कर रही है, तो वो कंपनी आपको बताएगी भी कब अपनी बोर्ड मीटिंग जो होगी इसकी 31 तारीख को। ठीक है, तो हमारे पास भाई बहुत बड़े मौके हैं और आपकी मर्जी अभी आगे, तो आपको क्या करना चाहिए इसके अंदर।
तो यहाँ पर देख सकते हो अभी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 25% डिस्काउंट पर है, 131 रुपये का सपोर्ट है। और ये सपोर्ट आपको एसएल के तौर पे लेके नहीं चलना, अभी कहीं आप लोग ऐसे लेके चलो, ये सपोर्ट अगर यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेता बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज स्टॉक का जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा अभी 109 रुपये के आसपास। पैनिक नहीं होना, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये गिरावट नहीं, ये मौका है। और ऐसे मौके मुझे नहीं लगता अभी कंपनी आपको बार बार कहीं पर भी देगी, 130 रुपये का और 110 रुपये के दो सपोर्ट है। और बेचना नहीं है, होल्ड करने का टाइम अगर आपके पास पहले से है, ऊपर से खरीदा हुआ है तो नीचे में खरीदारी करने का मौका है। थोड़ा बहुत एवरेज करने के बारे में सोचिए, या फ्रेश एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हो तो अगले 3 से 6 महीने के लिए जरूर होल्ड कर सकते हो। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। स्टॉक 200+ डेफिनेटली निकलेगा, बट उसके लिए पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। तो स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी थी भी, ये थोड़ा सा एक इवेंट जिसे बोल सकते हो, एक घटना बोल सकते हो भाई, ठीक है। तो ये आते हुए नजर आई। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।